अभी आपने देखा कि प्लेयर ने एब नॉर्मल कोर्स कंडीशन इमूवेबल ऑब्स्ट्रक्शन, काट पात के ऊपर उसका बॉल था उसने बिल्कुल ड्रिल प्रोसीजर के मुताबिक रिलीफ ली रेफरेंस पॉइंट लिया क्लियर किया अपने आप को रेफरेंस पॉइंट के बाद एक क्लब लेंथ के ऊपर उसको बॉल ड्रॉप करना चाहिए था उस सिचुएशन से जिसकी वजह से वो ये रिलीफ ले रहा था मगर बजाय बॉल को यहाँ ड्रॉप करने के उसने बिल्कुल इस काट पात के करीब दोबारा बॉल ड्रॉप किया और बॉल ड्रॉप करने के बाद उसने उसको खेल लिया जब उसने खेल लिया तो वही काट पात उसके क्लब के साथ टकरा गया तो ऐसी सिचुएशन में ये उसने रॉन्ग प्लेस से बॉल खेला क्योंकि गोल्फ रूल ने उसको एक रिलीफ दिया है फ्री रिलीफ है उसको कि तुम ले लो जिस सिचुएशन लेकिन उस रिलीफ की शर्त क्या है रूल रूल्फोला में उसकी शर्त यह है कि जिस वजह से आप रिलीफ ले रहे हो वो वजह दोबारा रिलीफ लेने के बाद आपके स्विंग आपके स्टांस आपके बॉल की लाइन में नहीं आनी चाहिए क्योंकि उसकी आ गई और उसने जब मारा तो वही ट्रैक जिससे उसने रिलीफ ली थी वो ट्रैक दोबारा उसके स्विंग में आया और उसका क्लब उससे टकराया तो ऐसी सूरत में उसने बॉल को रॉन्ग प्लेस से खेल लिया और उसको टू स्ट्रो की पेनल्टी लग गई तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि जहाँ गोल्फ़ के रूल आपको रिलीफ दे रहे हैं वो रिलीफ उल्टा आपके लिए जो है वो पेनल्टी ना बन जाए और जनरल पेनल्टी ना बन जाए